Assalamu alaikum, welcome back. Hope you all will be fine. And in this video, we'll try to understand two most important concepts of LCM and HCF. So, first of all, let's see LCM ki definition dekh lete hain ki LCM hota kya hai. LCM of two or more given numbers, yani ye do ya do se zyada numbers, is the least number which is exactly divisible by each of them. Yani definition se hume ye pata chala hai ki LCM jo hai ki do ya do se zyada number ka wo least, yani ki wo kam se kam number hota hai jis pe jitne bhi do hain ya do se zyada numbers hain na wo exactly divisible ho, yani ki remainder divide karne ke baad jo hai wo zero aana chahiye, to use hum kahenge ki wo hai least common multiple ya usually जनरली हम इसे एलसीएम बोलते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. फाइंड एलसीएम ऑफ 7 एंड 35. तो एलसीएम फाइंड करने का तरीका ये होता है, आपने इस तरह का एक टेबल ड्रॉ करना है, इस तरफ आपने वो नंबर्स लिखने हैं, जैसे 7 एंड 35 लिखे, तो आपने चाहे वो एक नंबर को या पहले देखने के क्या दोनों नंबर्स का कोई ऐसा नंबर है, और आपने ये कोशिश करनी है, बल्कि ये कंपलसरी है कि वो लीस्ट कोई प्राइम नंबर हो, तो जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है. अब आप देखेंगे 7 और 35 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, या दोनों में से किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है और वो एक प्राइम नंबर है. तो 7 है, 7 ऐसा नंबर है, 7 1s are 7 एंड 7 5s are 35. तो यहाँ पे आ गया 7 1 times 7, यहाँ पे आ गया 1, और 7 5s times 35, तो यहाँ आ गया 5. अब 1 और 5 बची है, तो 1 और 5, 1 तो होता है 1, कोई असर नहीं होता, तो 5 को हम देखेंगे, तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे, लीस्ट कोई प्राइम नंबर, तो वो खुद 5 ही है जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो 5 1 times 5. तो उसके बाद ये टेबल बनाने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होता है, जो एलसीएम वो होगा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे ना उन सब नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे 7 और 5 है, तो 7 और 5 का प्रोडक्ट, यानी 7 और 5 को हमने मल्टीप्लाई कर देने, तो आंसर के आगे हमारे पास 35. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 24. तो 12 और 24 का हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो 12 और 24, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा भी है और दोनों नंबर्स को डिवाइड भी कर रहा है, तो वो आ गया हमारे पास 2 आ गया, तो 2 6s are 12 और 2 12s are 24. नेक्स्ट, फिर आप 6 और 12 को तो देखेंगे कि कौन सा ऐसा कोई लीस्ट प्राइम नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो 2 ही है. 2 3s are 6 और 2 6s are 12. अब 3 और 6 को देखेंगे तो 3 ऐसा नंबर है, तो 3 1s are 3 and 3 2s are 6. अब 1 एंड 2 को, 1 को हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ 2 को देखेंगे, तो 2 1 times 2. तो ये था एलसीएम का क्वेश्चन. पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एलसीएम फाइंड करना नहीं आएगा, बल्कि पेपर्स में जो है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, ये तो हम वो प्रॉब्लम्स में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं. तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. वो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मल्टीपल ये है कोई ग्रेटेस्ट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है दोनों नंबर्स को, जो नंबर्स का हमारे पास एचसीएफ हमने फाइंड करना होगा. जैसे एचसीएफ फर्ज करें, इसका तरीका ये होता है कि हमने एचसीएफ फाइंड करना है 630 का, 1050 का और 1260 का. पहले हमने 630 का एलसीएम ले लेना है, फिर हमने 1050 का एलसीएम ले लेना है, और फिर हमने 1260 का एलसीएम ले लेना है. तो 630 का एलसीएम कैसे लेंगे? अब देखिए, एंड पे जीरो है, दैट मींस कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये 2 से डिविजिबल है, और 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो 2 3s are 6, 2 1 times 2 और 1 carry और 2 5s are 12. अब 315 देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 3 105 आ जाएगा. 105 देखेंगे तो ये 5 से एग्जैक्टली, या 3 से भी डिवाइड होते हैं, ये मर्जी, आप 3 से करना चाहते हैं पहले तो 3 से कर लें, वरना 5 से कर लें, तो 5 2 times 10 और 5 1 times 5, तो 21 आ गया. 21 किस प्राइम नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं? 3 से होते हैं. 3 7s are 21 आ गया, और 7 जो है वो प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 से ही होता है, तो 7 1 times 7 आ गया. इस तरह 1050 का हमने एलसीएम ले लेने हैं, 2 पहले 2 से कर लेंगे, 525 आ गया, फिर 5 से कर लेंगे, 105 आ गया, देन 5 से कर लेंगे, 21 आ गया, और फिर 3 से कर लेंगे, 7 और 7 1s are 7 आ गया. नेक्स्ट 1260 का हमने करना है, तो 12 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे,
फिर 3 से 5 से 3 से और 7 से, यानी तीनों HCF फाइंड करने के लिए भी हमारा पहला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि हमारे पास जितने भी नंबर्स गिवन है ना, चाहे वो दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, हमने उसका LCM उनका ले लेने। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा, हमने जो LCM लिया था ना, तो LCM को हमने पहले अलहदा अलहदा लिखना है। 630 का LCM क्या था? 2 × 3 × 5 × 3 × 7। LCM 1050 क्या है? 2 × 5 × 5 × 3 × 7। इसी तरह 1260 का क्या है LCM? 2 × 2 × 3 × 5 × 3 × 7। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हमने उन सब नंबर्स को इस तरह करके इकट्ठा कर लेने हैं जो नंबर्स तीनों में कॉमन होंगे। तो इनमें 2 जो है वो देखें 630 के LCM में भी है, 1050 के LCM में भी है और 1260 के LCM में भी है। तो इस तरह करके हम 2 को अलहदा कर लेंगे। फिर हम अगला नंबर देखेंगे, अब देखें सेकंड नंबर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये मिल नहीं रहा। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे 5 है, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो हम तीनों को अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट हम 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, उसे अलहदा कर लेंगे। और उसके बाद हम 7 को देख लेंगे, 7 जो है वो तीनों में ही आ रहा है। तो उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारा HCF फाइंड करने का ये होगा कि हमने जो नंबर्स को अलहदा किए हैं ना, जो तीनों में कॉमन थे, उन नंबर्स को हमने इस तरह से लिख लेने हैं। 2 नंबर था एक, 2 लिख लिए, 5 नंबर था एक, 5 लिख लिए, 3 नंबर था एक, 3 लिख लिए, 7 था, 7 लिख लिया। और फिर हमने इन 4 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देने, 7 को 3 से, देन 5 और देन 2 से, तो आंसर आ गया 210। और 210 ही हमारे पास जो है वो इन 3 नंबर्स का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कि इन तीनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, वो बड़े से बड़ा नंबर है। तो ये था हमारे पास HCF का कॉन्सेप्ट। पहले हमने LCM लेना है, सेकेंड स्टेप में हमने तीनों के LCM को लिखना है, थर्ड स्टेप में हमने उनमें से जो तीनों में कॉमन होंगे उन्हें इस तरह से सेपरेट कर लेने हैं, और फोर्थ स्टेप में जो हमने सेपरेट किए हैं उन्हें अलहदा से लिख के उन्हें मल्टीप्लाई कर लेने हैं, और वो हमारे पास HCF होगा। अब हम इनके कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं बिफोर वी मूव टूवर्ड्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो इनमें से कोई भी आपको दो नंबर्स गिवन होंगे, थर्ड हम इजीली फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 34 एंड देयर LCM इज 4284। ठीक है, दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का जो है वो LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। और अगर एक नंबर जो है उनमें से 204 है, तो हमने अदर नंबर जो है वो फाइंड करें। हम फार्मूला पता है, सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास क्या है, X है, या कोई भी वेरिएबल उसे नाम दे लेते हैं। फार्मूला हमें पता है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हमने यहाँ पे LCM लिख लिया इक्वल टू ये HCF लिख लिया, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो दोनों नंबर्स, एक तो 204 गिवन है, दूसरा नंबर हमने लेट कर लिया कि वो X है, डिवाइडेड बाय HCF होता है, तो HCF लिख लेते हैं, मैं लिख लिया X हमने फाइंड करना है, X इसी तरफ रहने देंगे, बाकी जो नंबर्स हैं उन्हें उस तरफ ले जाएंगे। 4284 के साथ 34 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 204 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इन्हें हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास अदर नंबर जो है वो 714 आ गया। ये वो वाला दूसरा नंबर है जिसका HCF जो है 204 के साथ 34 है, और LCM जो है इन दोनों नंबर्स का 4284 है। इसी तरह एक और फार्मूला देख लेते हैं कि अगर आप देखें, अभी तक हमने बात की है होल नंबर्स का हमने किस तरह से फाइंड करना है LCM या HCF, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वो नंबर्स की फॉर्म में ही हो, होल नंबर या नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही हो, या तो हमारे पास जो है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी तो LCM या HCF फाइंड करने का वो कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म हो तो वो कैसे करना है, तो LCM ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमिरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिरेटर्स। मतलब अगर हमने दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं और दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के LCM फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले नोमिनेटर्स जो होंगे उनका LCM ले लेने हैं, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनका HCF ले लेने हैं, तो हमारे पास उन फ्रैक्शंस का LCM आ जाएगा। अब इसी तरह अगर HCF फाइंड करने का उन्होंने बोला हो, तो नोमिनेटर्स का हमने HCF ले लेने हैं और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का हमने LCM ले लेना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड
एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/10। अब देखें दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस का हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का हमने फार्मूला भी देखा है, नोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लेने हैं। तो नोमिनेटर्स इनमें कौन कौन से हैं, 1 और 1, तो 1 का एलसीएम क्या आ गया, 1 ही आ गया। दूसरा स्टेप क्या है कि हमने डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेने हैं, तो 2 और 10 का हमने ले लेना है एचसीएफ। तो 2 और 10 का एचसीएफ तरीका हमें पता है कि 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 10 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 आ जाता है, दोनों में कॉमन देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2। 2 जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर का एचसीएफ आ गया। फार्मूलाज में, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एलसीएम ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, यानी एलसीएम ऑफ 1/2 मल्टी एंड 1/10 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नोमिनेटर जो कि 1 आ गया है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास 2 आ गया। तो ये जो है ये हमारे पास एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 2/10 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे, पास्ट पेपर्स के, जिस तरह से क्वेश्चन हमें वो पूछे जाते हैं, और फिर हम ये भी असेस करेंगे कि हम किस तरह से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वो हमें एलसीएम का पूछ रहा है या एचसीएफ का पूछ रहा है, क्योंकि वो कभी भी पेपर में मेंशन नहीं करता कि आइदर यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स और एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लाइट ब्लिंक्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6, 9 and 15 minutes, इफ दे ब्लिंक टुगेदर एट 5 PM, व्हेन विल दे ब्लिंक टुगेदर अगेन। क्वेश्चन के सेंस को समझते हैं, वो कहते हैं कि एक लाइट है जो कि ब्लिंक कर रही है 6 मिनट पे, 9 मिनट पे और 15 मिनट के बाद, मतलब इस इंटरवल से वो जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो अगर वो इकट्ठी ब्लिंक करती है 5 PM पे, तो हमने वो टाइम फाइंड करना है जिस पे वो 5 PM के बाद दोबारा से ब्लिंक करेगी। तो यहाँ पे ये मैं बाद में बताती हूँ कि हमें कैसे पता चला है कि हमने इसका एलसीएम लेना था। तो वो स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले जो मिनट्स हमारे पास गिवन है उनका हमने एलसीएम ले लेना है, 6, 9 और 15 का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने का तरीका पता है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है वो 90 मिनट के बाद दोबारा से ब्लिंक करेगी। 90 मिनट्स मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट। अब पहला टाइम था 5 PM, तो 5 PM में हमने 1 hour and 30 minutes जो है वो ऐड कर देने हैं, 5 और 1, 6 hour और 30 minute। अब देखिए, यानी कि इसका क्या मतलब है, इसे हम यूं भी तो लिख सकते हैं, अगर पहले जो है लाइट ने 5 बजे ब्लिंक किया है, तो दूसरी बारी लाइट ने जो है, सॉरी इट्स PM, तो दूसरी बारी जो है वो लाइट विल ब्लिंक टुगेदर एट 6:30 PM। अब हम अब आपने ये वाले कुछ याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में वो वर्ड्स आ जाते हैं, लीस्ट का वर्ड आ जाता है, स्मॉलेस्ट का वर्ड आ जाता है, लोएस्ट का वर्ड आ जाता है, मिनिमम का वर्ड आ जाता है, टुगेदर का वर्ड सेम आ जाता है या कॉमन आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने एलसीएम फाइंड करने, क्योंकि क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करता, और बाज़ औक़ात जो है वो हमें एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है कि हम एचसीएफ लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो आपने इन वर्ड्स को याद कर लेना है, इन वर्ड्स में जिन अगर ये वाले वर्ड्स होंगे तो दैट मीन्स हमने उस क्वेश्चन में एलसीएम लेने, अगर ये वाले वर्ड्स होंगे वो हाइएस्ट कह देते हैं, वो लार्जेस्ट कह देते हैं, वो मैक्सिमम, फॉर या वाइड के वर्ड्स यूज़ करता है, देन वील टेक एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी ली है कि ये हमें हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प करती हैं या नहीं करती। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड लोएस्ट नंबर विच लीव्स 3 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 and 16। तो हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, लोएस्ट नंबर, कम से कम नंबर फाइंड करना है, जो कि जब हमें 8, 12 और 16 पे उसे डिवाइड करें तो वो 3 रिमाइंडर दे। अब देखिए वर्ड क्या यूज हुआ है, लोएस्ट, तो लोएस्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, एलसीएम में पढ़ा था, तो इससे हमें पता चला कि हमने इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है। तो 8, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, वो आ जाएगा 48। अब देखिए, अब हमने रिमाइंडर चाहिए 3, 48 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, गिवन नंबर है, तो 3 ऐड कर देंगे, 48 प्लस 3 जो है वो 51 आ गया, और 51 ही वो लोएस्ट नंबर है। देखिए, हमें ये एक नंबर से हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरफ मूव करेगा, और हमने इजीली उसे सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मोइज वाज ट्राइंग टू स्लीप एट वन नाइट बट देयर वाज टू मच नॉइज अराउंड इट him, his clock ticked after every 5 seconds, tap was tipping every 7 seconds and pet dog snored every 12 seconds. He noticed at his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find after how many seconds all three things happened together again. Question देखें, question में वो कहते हैं कि
मॉइस जो है वो एक रात सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत शोर है। एक क्लॉक जो है वो हर 5 सेकंड के बाद टिक कर रहा है और एक टैप जो है वो चल रही है हर 7 सेकंड के बाद टिप कर रही है, पानी गिरा रही है। और एक पेट डॉग जो है वो हर 12 सेकंड के बाद स्नोर कर रहा है। वो नोटिस करते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मिडनाइट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली 12 AM, तो 12 AM पे तीनों चीज़ें जो है वो इकट्ठी आवाज़ आई है, तो कितने सेकंड्स के बाद ये तीनों चीज़ें जो है वो दोबारा होंगी। तो आप देखिए अब यहाँ पे वर्ड यूज हुए टुगेदर वर्ड हमने कहाँ पे देखे हैं, इन दोनों में से हम देख लें कि हमने टुगेदर वर्ड जो है वो LCM में देखे, दैट मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन में LCM यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, 5, 12 और 7, 5, 12 और 7 का हमने LCM ले लेना है, वो आ गया हमारे पास 420। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि वो तीनों थिंग्स जो हैं, तीनों थिंग्स यानी कि क्लॉक के टिक करने की आवाज़, टैप के टिप करने की आवाज़ और पेट डॉग के स्नोर करने की आवाज़ आफ्टर 420 सेकंड दोबारा सुनेगा। तो सेकंड्स को हम अपने इजनेस के लिए मिनट्स में चेंज कर लेते हैं, 60 में डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट आ जाएगा। पहले जो है आवाज़ उसे तीनों इकट्ठी आई है 12 बजे, तो अगली आवाज़ जो आएगी वो एग्जैक्टली 7 मिनट के बाद आएगी। तो 7 मिनट के बाद मतलब कि 12:07 AM पे वो दोबारा इन तीन चीज़ों की इकट्ठी आवाज़ सुनेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने LCM और HCF रिलेटेड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स देखी, उनका कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया और पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।